तो दोस्तों FZS ठीक है ना, FZS हजार वो इंजन सेम ही होता है दोस्तों, फुल सर्विस। दोनों चक्का ग्रीस हो गया, आगे पीछे पीछे वाला रिम टेढ़ा हो गया था, देखिए बहुत हिलता है, बहुत देखिए बहुत टाल मारता है, कम से कम हाफ इंच इधर आ जाता है, देखिए कहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए है ना, यहाँ आप दिखाते कहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए, तो हम भी थोड़ा सा हथौड़ा मारे यहाँ पे लाइन में आ गया, ठीक है ना, हवा लीकेज प्रॉब्लम हुआ था, हथौड़ा मार के लाइन में आ गया थोड़ा सा, अभी चलेगा, हवा नहीं पास होता है अभी, उन्होंने बोला इंश्योरेंस क्लेम करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम चलने का लाइक बना दिए। तो दोस्तों ये चलने का लाइक था, हिसाब से हथौड़ा मारना पड़ेगा, नहीं तो केराक हो जाएगा तो बर्बाद, तो हम सोचे होने का उम्मीद है, इसलिए हम हथौड़ा मारा, 10-15 हथौड़ा मारे तो लाइन में आ गया, चलने का लाइक नहीं था, अभी चलने का लाइक हो गया, नहीं तो ट्यूब भरना पड़ता अंदर में, तो दोस्तों बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, दोनों चक्का ग्रीस कर दे, और इंजन ऑयल डाले हम लोग 450 रुपया लेंगे, ठीक है ना, 450 रुपया 1 लीटर का, तो दोस्तों 30-40 रुपये हम लोग ज़्यादा रहते हैं ये, ठीक है ना, जैसा MRP का रेट हम लोग को खरीदे दोस्तों 450 रुपया लेंगे, 30 रुपया बचेगा इसमें, 450 लेंगे तो 30 रुपया बचेगा, 420 रुपया है अभी और ज़्यादा हो गया, ई हो गया इंजन ऑयल हम लोग डाल दे, ओ भाई रुक जाए पे, ई हो गया यम्मा कंपनी का इंजन ऑयल, देखे तो जिनका गाड़ी उन्होंने बोला मिथुन भाई यम्मा कंपनी का ही चाहिए इंजन ऑयल, ठीक है कोई बात नहीं डाल देंगे, बिल्कुल सही है इंजन ऑयल, बिल्कुल सही है, पोलिस वोलिस मार दे, बिल्कुल टांच हो गया, टांच मतलब कंप्लीट, चेन भी सही हो गया, देखे वॉश कर दे, और एक स्कूटी का काम हुआ था वो कंप्लीट, उसमें बहुत नफरा हो गया था, अभी काम है ये नहीं दोस्तों, वो स्कूटी प्लेजर का सेल्फ का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, दोनों चक्का खुले, और इसमें देखे ACC केबिल मतलब एस्केलेटर केबिल, पिकअप का ये जो केबिल है ना ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम खुले सोचे यहाँ से काट देंगे, तो आप देखते काटा हुआ ये है, पहले रिपेयर किया हुआ है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, रेस ज़्यादा होने का कारण, ओ हम थोड़ा लाइट से दिखाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, सिस्टम ओवर हो गया, कोई एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं, दोनों नट हम बाहर कर दें, तो फिर इसको हम थोड़ा सा रिपेयर किए, कैसा रिपेयर किए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्लास से ऐसा टेढ़ा कर दे, पीछे का तरफ कर दे, ठीक है ना, बिल्कुल अभी सही है, देसी जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, हाईवे में गाड़ी बहुत चल रहा है इसलिए साउंड कभी कभी दिक्कत होता है, तो हिसाब से टेढ़ा करना पड़ता है, अभी बिल्कुल सही है, तो अभी थोड़ा स्टार करके भी दिखाते, ठीक है ना भाई, चाबी आ जाओ, देखिए बिल्कुल सही है, पहले से छोड़ने से आवाज़ ज़्यादा हो जाता है, अभी बिल्कुल सही, मीटर खराब हो गया ही तो, बिल्कुल चलने का लायक आ गया अभी, तो बंद कर देता, यम्मा कंपनी का इंजन ऑयल डाला, हर चीज़ सही हो गया, अभी बंद हो जाओ भाई, ये पिकअप का केबिल है ये नहीं, ACC केबिल में लिखा रहता है, ACC केबिल, तो हम लोग पिकअप ही केबिल बोलते हैं, पिकअप का वायर हो गया ना इसलिए पिकअप केबिल बोलते हैं, ये केबिल है नहीं हम लोग का पास, इधर हम बहुत सारा ढूंढे मगर फेजर का है नहीं, तो इसका काम बिल्कुल कम्प्लीट, और रिंग जो है दोस्तों ऐसा हो जाता है यम्मा का गाड़ी, फिर स्प्लेंडर भी होता है ऐसे टेढ़ा होने का कारण दोस्तों एक ही कारण है इसका, हवा कम रहने का कारण ऐसा होता है, यहाँ पे टेढ़ा देखें, हवा कम था इसलिए टेढ़ा हो गया, गड्ढा में गिरा टाल मरता है, तो हम तेज डब भी किया थोड़ा सा हिलता ही गया, अब क्या कर सकते, अभी तो काम चलने का लायक हम कर दिए,
तो कभी कभी करना पड़ता है रिपेयर गैरेज में, क्या करेंगे। ये तो हम तो सोचे हम उनको बोले टूटने का खतरा है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, टूट जाएगा तो दिक्कत होगा, ट्यूब घुसाना पड़ेगा, काम चलने का लग कर देंगे, आप लगा लीजिएगा। बोले ठीक है रिस्क लेंगे, कोई बात नहीं करो जो होगा। तो हो गया लाइन में, अभी चलेगा ये। तो टेक्निकल काम है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, उनको पहले बोल दे रिस्क लेना पड़ेगा, टूटने से ट्यूब डालना होगा। बोले डाल देंगे,